शिवराज कैबिनेट के विस्तार के बाद राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया पूरे फॉर्म में नजर आए हैं। राजभवन से बाहर निकलने के बाद उन्होंने मीडिया से बात की, उसके बाद कांग्रेस पर जमकर प्रहार किया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने ऊपर लग रहे आरोपों पर कहा कि मुझे कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है, समय आएगा तो मैं जवाब दूंगा। इन दोनों को मैं यही कहना चाहता हूँ कि टाइगर अभी जिंदा है। ना मुझे कमलनाथ जी से प्रमाण पत्र चाहिए, ना मुझे दिग्विजय सिंह जी से प्रमाण पत्र चाहिए। प्रदेश की जनता के सामने तथ्य हैं कि 15 महीनों में किस तरीके से इन्होंने प्रदेश का भंडार लूटा है और स्वतः को पूर्ण रूप से सारा अपने आप ले लिया है। वादा खिलाफी का इतिहास देखा है, समय आएगा तो मैं बताऊंगा। आपके लिए पर मैं केवल इनको इन दोनों को यही कहना चाहता हूं कि टाइगर अभी जिंदा है। सर कांग्रेस में पूछ रही है। अपने ऊपर लग रहे आरोपों पर सिंधिया ने कांग्रेस को तीखा जवाब दिया है। बीजेपी में शामिल होने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पहली बार एमपी कांग्रेस के नेताओं पर नाम लेकर वार किया है। न्यूज डेस्क।